जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो, और ऊपर से हमारे ऊपर ये मुकदमा FIR कर दी। बहुत से लोग इस रिपोर्ट को देखकर गालियां देंगे क्योंकि सच थोड़ा कड़वा जरूर होता है। क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है? देश के लिए खून पसीना बहाने वाले, अपनी हड्डी पसली तुड़वाने वाले पहलवान आज गंगा में अपने मेडल बहा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों उनकी आत्मा को वो तंत्र बहा ले गया जो इन्हें कभी सुपर हीरो कहता था या अपनी सर आंखों पर बिठाता था। ये वही पहलवान है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच भी किया, डिनर भी किया और कई खट्टी मीठी बातें भी। मगर आज इन पहलवानों की हालत इतनी बदतर है कि प्रधानमंत्री का मिलना तो दूर, इनका कोई मंत्री भी यहां वहां नहीं फटकता दिखाई दे रहा। पुलिस ने इन पहलवानों को ऐसे जंतर मंतर से खदेड़ा जैसे यह कोई देशद्रोही। रविवार को एक तरफ देश भारत के मान यानी नए संसद भवन को निहार रहा था तो दूसरी ओर देश के सम्मान को पागल कुत्तों की भांति खदेड़ा जा रहा था। इन पहलवानों का मानना है कि इनकी गलती बस इतनी थी कि इन्होंने एक ऐसे शख्स के ऊपर आवाज उठाई जो तंत्र का हिस्सा था या यूं कहें भाजपा का सांसद था। आइए जानें क्या था पूरा मामला। यह पूरा मामला भाजपा के यूपी के भोंडा से संबंध रखने वाले MP और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण से जुड़ा हुआ है। कई महिला पहलवानों ने इन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं जिसे ब्रजभूषण ने साफ तौर पर नकारा है। इन आरोपों पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। यदि तंत्र में खामियां ना होती तो शायद आज जो पहलवानों के साथ हुआ वह ना होता। ये हम नहीं ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी कह रहे हैं। बात जनवरी 2023 की है जब भारत के जाने माने पहलवान जंतर मंतर में धरने पर बैठे। मुद्दा था अध्यक्ष का महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार और शारीरिक शोषण। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 21 अप्रैल 2023 को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो महिला पहलवानों ने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई कि ब्रजभूषण ने गलत तरीके से उनके पेट और छाती को छुआ सांस चेक करने के बहाने, और आठ जगहों पर भी इसी तरह की हरकतों को अंजाम देने का भी शिकायतकर्ताओं ने हवाला दिया। इनमें से एक महिला ने कहा कि ब्रजभूषण ने बिना उनकी मर्जी के ट्रेनिंग जर्सी को उठाया। इन दो में से एक महिला 18 साल से नीचे की भी थी। इतना ही नहीं, सात महिलाओं ने भी अलग से कंप्लेंट करनी चाहिए थी मगर वो रजिस्टर नहीं हुई। उसके बाद शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए और दो FIR ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज हुए। इसी के साथ साथ साक्षी मलिक ने अपने बहुत से बयानों में कहा कि ब्रजभूषण महिला पहलवानों को अकेले अपने कमरे में बुलाते थे, महिला पहलवान रोती रहती थी, यहां तक कि खाना भी नहीं खाती थी। साक्षी मलिक ने कहा कि बहुत सी महिला पहलवानों ने उन्हें संदेश भेजे कि हम किन्हीं कारणों की वजह से सामने नहीं आ सकते मगर हम आपके साथ हैं। आरोपों की फेरिस्त इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में लग जाएगा। तो इन्हीं आरोपों के चलते भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने आवाज उठानी चाहिए और जंतर मंतर की तरफ कूच की। पहलवानों का कहना है कि तानाशाही देश में इस कदर हो गई है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी ब्रजभूषण के खिलाफ 7 दिन तक FIR नहीं हुई और पहलवानों पर जिन्होंने देश को सोना दिलवाया उन पर 7 घंटों के भीतर FIR हो गई। गौर रहे कि ब्रजभूषण पर FIR सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हुई, अन्यथा पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। बड़ी विडंबना की बात है, इस तरह के खुलेआम आरोपों के बाद भी ब्रजभूषण पर FIR नहीं हुई, गिरफ्तारी तो दूर की बात है और पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने पुलिस कर्मियों को FIR करने से रोका? ऐसी कौन सी वजह थी जो पहलवानों को जंतर मंतर से खदेड़ना पड़ा? ये सारी बातें समझ से बाहर है। खैर, जनवरी में शुरू हुआ धरना इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि सरकार ने ओवरसाइट कमेटी बनाई और उन्हें तफ्तीश करने के लिए कहा। मैरीकॉम को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और इसमें बबीता फोगाट भी सदस्य रही। बबीता फोगाट ने आरोप लगाया कि गवाहों के बयानों को सत्यापित नहीं किया गया और उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के निष्कर्षों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार रिपोर्ट ने आरोपी ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। पहलवानों ने आरोप लगाया कि निरीक्षण समिति की जांच निष्पक्ष या पारदर्शी नहीं थी। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात करते रहे मगर तंत्र ने कतई नहीं सुना।
अप्रैल में फिर से पहलवान देश की शान जंतर मंतर आए, अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, मगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी बीच ब्रजभूषण के कई बयान सामने आए जिसमें वो कहते नजर आए कि क्या वह शिलाजीत की रोटी खा गए और भी बहुत कुछ, मगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला। पहलवानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने विरोध स्थल पर बिजली, पानी और खाद्य आपूर्ति सब कुछ काट दी। पहलवानों के समर्थकों को शामिल होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। दिल्ली पुलिस ने भी कई बार उनके साथ हाथापाई की। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के आए छात्रों को भी हिरासत में लिया। 7 मई 2023 को प्रदर्शनकारियों को सलाह देने वाली 31 सदस्यीय समिति ने 21 मई 2023 से पहले आरोपी को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया और पुलिस के विफलता होने पर बड़ा फैसला लेने का भी निर्णय लिया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने के चलते समिति ने निर्णय लिया कि 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के दौरान नई दिल्ली में नए संसद भवन में एक महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस बीच ब्रजभूषण सिंह नार्को टेस्ट करवाने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए कि शिकायतकर्ता और धरने पर बैठे पहलवान भी अपना टेस्ट करवाएंगे। इस पर पहलवानों ने कहा कि वह भी तैयार है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट इसका सुपरविजन करे और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। खैर, प्रदर्शन जारी रहा और 28 तारीख आ गई। जब प्रदर्शनकारियों ने अपना मार्च शुरू किया तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साक्षी मलिक की मां सहित महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा गया जिसके दौरान उन्हें चोटें आईं। महिला पहलवान चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर नए संसद भवन तक आवाज नहीं पहुंची। मोदी जी एक शब्द ना बोले। विपक्ष ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अन्य पार्टियों ने क्या कहा नहीं कहा, ये हम साझा नहीं करने वाले, मगर पहलवानों के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। क्या ब्रजभूषण ने सच में ऐसा किया या नहीं किया, यह जांच का विषय है, मगर जो देश के गौरव के साथ हुआ वह कतई भी सही नहीं था। ब्रजभूषण का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पहलवान प्रतिदिन मांग बदल रहे हैं और दावा किया कि विरोध करने वाले पहलवान एक समूह के हैं, लेकिन हरियाणा के 90% पहलवान उनका समर्थन करते हैं। खैर, अब थक हार कर पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में बहाना सही समझा और जीने की इच्छा न रखते हुए आमरण अनशन पर बैठने की भी योजना बनाई। पहलवानों ने कहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मेडल देने से बेहतर वह गंगा में मेडल बहाना उचित समझते हैं। इस दौरान सभी पहलवान भावुक दिखे। एक तरफ भारत का डंका दूसरे देशों में खूब बज रहा है तो दूसरी तरफ देश के ये हाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। आप भी अपने कॉमेंट दीजिएगा, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर। और बड़ी शर्म आती है ट्विटर पर उन कॉमेंट्स को पढ़ते हुए जब बजरंग पुनिया ने एक पोस्ट डाली थी कि हम अपने मेडल्स को गंगा में बहा रहे हैं, तो उस पर तरह तरह के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उन कमेंट्स को पढ़ के सच में शर्म की अनुभूति हो रही थी। आप भी स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ कह रहे थे।